और एक नया दिन और एक नया सफ़र। हम लोग टोटल 7 आदमी जा रहे हैं, उसमें 6 दोस्त है और एक भैया है। और अभी हम लोग है मादारी हाट में। ये हम लोग रुके ब्रेकफास्ट के लिए अमर वैष्णव ढाबा पे, काफ़ी अच्छा है। तड़का रोटी लिया और एक चाय, काफ़ी मस्त है। अगर राइड कर तो अगर चाय नहीं पिया तो क्या किया यार, मैं तो दो दो कप चाय पीता हूँ। तो और अभी टाइम जो हो रहा है वो तो बता देता हूँ एक बार, 9:45 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आए 15 से 20 मिनट जैसा हो गया। हम लोग सिलीगुड़ी से निकले 6 बजे, तो 2 घंटा में हम लोग राइड किए आपका अराउंड 135 किलोमीटर, नॉट बैड। आज हम लोगों का डिस्टेंस कवर करना है ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर। सोच रहे आज अलुकपंग में जाके हम लोग स्टे करेंगे। तो हम लोगों का ये ट्रिप शॉर्ट है, 5 से 6 दिन का ये ट्रिप है। तो चलो फिर अभी चलते हैं। मैंने मेरा बाइक नहीं लाया, दोस्त का बाइक पर पीछे बैठ के मैं जा रहा हूँ, मतलब एज ए पिलियन। तो अभी हाथ में खुजली हो रहा है यार, हाथ में खुजली हो रहा है बाइक चलाने के लिए। तो अभी चलाऊँगा, तो चलो फिर आपको मैं मिलता हूँ कुछ देर बाद। सौरभ, हम लोग 2017 में ये राइड किया था, हैं मानना होगा यार, कुछ एक्सपीरियंस था नहीं हम लोगों के पास उस टाइम। जोश में चला गया पहला राइड 2000 किलोमीटर यार, ये चीज़ मानना होगा हम लोगों को। हाँ, जोश में चला गया, कंप्लीट भी हो गया। बहुत सारा प्रॉब्लम फेस हुआ हम लोगों के साथ, तो ट्रैवल कर लिया, वही तो एडवेंचर है, वही एडवेंचर है, रियल एडवेंचर तो आपका उसमें ही है। मतलब जब तक का कोई आपका प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम को जब तक वो टैगल नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा यार ज़िंदगी में। और अभी 200 किलोमीटर का नीचे कोई भी ब्रेक नहीं होगा और टाइम हो रहा है 9:10, देखते। और यहाँ से हसीमारा अराउंड 8 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग वेस्ट बंगाल को कर दिया बाय बाय और वेलकम टू असम। सुबह था और एक स्टेट, दोपहर अभी तक हुआ नहीं और एक स्टेट, और रात को हम लोग पहुंच जाएंगे और एक स्टेट पे। यार यही तो जिंदगी है बाइकर्स का। कुछ देर तक ये रोड मिलेगा। और 2019 का अक्टूबर महीने में भी मैं आया था असम नॉर्थ ईस्ट का राइड का टाइम पे। यार इतना ज़्यादा ख़राब रोड है ये वाला रोड, अभी तक ठीक नहीं हुआ। कितना गाड़ी को बचाऊँ यार, कितना बचाऊँ। रोड के ऊपर ध्यान देना चाहिए असम गवर्नमेंट को यार, ये रोड तो सही कर दो, इतना इम्पोर्टेंट रोड है। ये 15 से 20 किलोमीटर का ये थोड़ा थोड़ा डाइवर्शन है, ये सब खराब रोड है, पर उसके बाद से रोड अच्छा है। ये देखो यार रोड का कंडीशन, यार धूल धूल धूल। अगर किसी को फ्री का पाउडर चाहिए तो यहाँ पे आ जाना। यार इतना बड़ा बड़ा गाड़ी इधर से इधर ले लेता है। हम लोगों का बात ही छोड़ दो, असम के साथ एक अलग रिश्ता है हम लोगों का, अबे इसीलिए हर साल में असम आना पड़ता है। अभी डाइवर्शन देख लो यार, सेम रोड था, कोई भी इसमें बदलाव नहीं है, इसी में तो टाइम लग जाता है यार। अरे यार जाना तू, रोड बन रहा है यहाँ पे, एक ब्रिज बन रहा है शायद इसीलिए। अबे यार कहाँ से जाएगा तू, ये
देखो 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 कैसे करके साला अनाड़ी लोग आता है। इस रोड पे कोई भी बदलाव नहीं है यार, इतना महंगा हो गया। शायद इधर से कौन सा वाला रोड अच्छा है, इधर वाला रोड ले लेता हूँ। खराब हो बट अपना साइड से चलो यार। अगर जल्दी का चक्कर में कुछ कांड हो जाता है तो पता है क्या होगा, हमको और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो मैं आपको आगे कहीं जाके मिलता हूँ। बंगाईगांव और अभी टाइम जो हो रहा है वो 12:30 और हम लोग अभी लंच कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा होटल है महामाया, अनुपदा खाया था। और यहाँ पे मेरा अगला बार का यार टायर पंचर हुआ था। अगर किसी का टायर वायर कुछ पंचर हो जाता है, बंगाईगांव में काफ़ी अच्छा शॉप है, स्टेट बैंक का ऑपोजिट में एक शॉप है, वहाँ पे जाके आप ठीक करा सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा है, मैंने वही पे कराया था। यहाँ पे ये स्टेट बैंक हो गया आपका, और इस तरफ है 10 टायर इस साइड वाला दुकान पे, आप ठीक करा सकते, काफ़ी अच्छा है। और महामाया होटल है मेरा राइट साइड में भाई, एक बार देखना ना महामाया होटल, ठीक है इस साइड में अंदर। यार इसका सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। तो ये रहा होटल, आदमी है तो शांत। A few moments later, खाने पीने का कार्यक्रम हो चुका है ख़त्म और अभी टाइम हो रहा है 1:30। आज काफ़ी जल्दी लंच कर लिया। ये जो होटल है टाटा मोटर्स का एकदम ऑपोजिट में है, कार वॉश भी है यहाँ पे, MRF टायर का शॉप भी है, बजाज का शोरूम भी है। यार कितना लैंडमार्क आपको दे दूँ, चल यार सिटी का अंदर घुसना और बाहर निकालना काफ़ी दिक्कत भरा काम है, मत पूछो यार। मैंने एक भेज थाली लिया था और एक मटन कोशा लिया था, काफ़ी अच्छा था खाना। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने भाईहाटा चारेली से लेफ्ट टर्न ले लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं तेजपुर की तरफ। तो देखते हैं अगर टाइम रहेगा तो हम लोग भालुकपोंग चला जाएंगे आज, क्योंकि तेजपुर से भालुकपोंग का डिस्टेंस है अराउंड 50 किलोमीटर, तो 1 घंटा जैसे लग जाएगा। तो अभी से सिंगल लाइन स्टार्ट हो गया और अभी टाइम जो हो रहा है वो 5:30, तो 3 घंटा जैसा लग जाएगा